नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो की शुरुआत करेंगे यहां पर बाजार से जुड़ी खबरों के साथ, जहां पर बाजार आखिरी कारोबारी घंटे में आज धाराशायी हो गया। इसके पीछे अहम वजह रही है रूस के विदेश मंत्री का बयान, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन के नए फेज को शुरू करने की बात कही गई है। इस बयान से बाजार में खलबली मच गई है। यूरोपियन बाजारों के बाद भारतीय बाजार में भी तेज बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी करीब 1.25% टूटकर बंद हुआ है। बाजार का पूरा एक्शन हमारी सहयोगी मानसी दबे दे रही है। को दो हिस्सों में आज बांटना होगा, क्योंकि बाजार फर्स्ट हाफ में बेहतरीन तरीके से रिकवर करता दिखा और सेकंड हाफ में जो भी रिकवरी थी, जो भी गेन्स थे, वो सारे वॉश आउट होते हुए दिखे। भारी बिकवाली का दबाव आज के सत्र में हमने देखा। देखिए, बाजार पिछले 4 सेशन से बिकवाली झेल रहा था, लेकिन आज शॉक ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि शुरुआत में बाजार ने एक बार परफॉर्म करने की कोशिश की और परफॉर्मेंस दिखाने के बाद भारी बिकवाली का दबाव यहां पर दिखा दिया। 15 मार्च के बाद निफ्टी 17,000 के नीचे बंद होता हुआ दिखा है। काफी गिरावट यहां पर तमाम इंडेक्स पॉकेट्स में देखने को मिली। इस बीच कुछ गेनर्स जो कि बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे, इसमें देखिए आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, रिलायंस जैसे काउंटर्स रहे जहां पर तेजी जरूर देखने को मिली। बिकवाली का दबाव कहां पर दिखा? एचडीएफसी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स थे जो कि भारी गिरावट आज के सत्र में दिखा रहे थे। मिड कैप के गेनर्स की अगर बात करें, कुछ तमाम स्टॉक्स थे। ऑफकोर्स मिड कैप इंडेक्स भी आज गिरावट ही झेल रहा था, हर तरफ चौतरफा गिरावट थी, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो परफॉर्म कर रहे थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अजंता फार्मा, ट्रेंड, प्रेस्टीज, एस्टेट, कई ये कुछ तमाम स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। और बिकवाली का दबाव आईटी स्पेस में लगातार हम देख ही रहे हैं। माइंडट्री के काउंटर, अदानी टोटल गैस, एबी कैपिटल, आरबीएल बैंक, ये सबसे ज्यादा गिरावट झेल रहे थे मिड कैप इंडेक्स में। टॉप लूजिंग कैंडिडेट्स ऑफ मिड कैप्स ये यहाँ पर नजर आते हुए दिखे। सेक्टर स्पेसिफिक गेनिंग मोमेंटम कहीं पर भी नहीं था, बिकवाली ही बिकवाली हावी होती हुई दिखी। जहां पर निफ्टी एफएमसीजी स्पेस करीब 3% तक टूटता हुआ दिखा, उसके बाद आईटी जो कि लगातार गिरावट देख रहा है, आज भी इसमें गिरावट जारी रही। साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, प्राइवेट बैंक, स्पेस, ऑटोमोबाइल, हर तरफ गिरावट ही गिरावट हावी होती है। मेजर सेक्टर्स जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिला। फाइनल क्लोजिंग जब हमारे सामने आई तो वो भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि एक साथ बाजार ने इतनी ज्यादा गिरावट दिखा दी आखिरी कुछ घंटों में ही और भारी बिकवाली के साथ। अब लगातार पांचवें दिन बाजार में कमजोरी, 16,958 के लेवल्स पर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भारी गिरावट, वहीं सेंसेक्स और मिड कैप स्पेस भी बुरी तरह से पिटते हुए, टूटते हुए ही क्लोज हुए। चलिए, ये तो बाजार का पूरा अपडेट हुआ है। हम आपको बताते हैं बाजार के जानकार क्या कहते हैं। गोल्डीलॉक्स के फाउंडर गौतम शाह के मुताबिक बाजार में 17,000 के स्तर से फिर तेजी लौटेगी। उन्होंने हमसे खास बातचीत में कहा है कि चुनिंदा सेक्टर और शेयरों में निवेश करना चाहिए। महीनों से मार्केट एक पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है। जब वो चलता है तो ऐसा चलता है कि लगता है कि रुकेगा नहीं, और जब वो गिरता है तो ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट ही नहीं है मार्केट के लिए। ये हम पिछले 3-3.5 महीना से देख रहे हैं, और ये समझना जरूरी है कि अक्टूबर के महीने में मार्केट ने अपना टॉप बनाया 18,600, और उसके बाद 7 महीना निकल गया और मार्केट एक रेंज में है। यू नो, नीचे की तरफ 16,500 और ऊपर की तरफ 18,500। अब मेरे को अभी भी लगता है कि ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, क्योंकि 2 साल की तेजी थी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन जरूरी था, और इस कंसोलिडेशन में जो सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स थे वो काफी अच्छा से कूल ऑफ कर गए हैं। पर ये जो भी पुलबैक जो हमने देखा पिछले 7-10 दिनों में, मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है, क्योंकि निफ्टी ने 2,500 पॉइंट का तेजी देखा एट अ वेरी रैपिड पेस, 16,600 से लेकर 18,100, और क्योंकि इतनी बड़ी तेजी थी तो थोड़ा बहुत पुलबैक बनता था। ग्लोबल मार्केट्स भी अब स्टेबलाइज कर गए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी सी बेटर हो गई है, और क्योंकि ये दो बड़े कंपनी के रिजल्ट्स खराब थे उसके कारण निफ्टी ने 17,400 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेक किया, बट आई थिंक ये टेम्पररी है। तो अब जो अगला सपोर्ट जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो है 17,000, और मुझे लग रहा है कि 17,000 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड वापस अच्छी हो जाएगी। ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए, वन शुड नॉट बी ओवरली कंसर्न्ड। हो सकता है कि 3-5 दिन लगे थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, पर 17,000 से मुझे लग रहा है कि मार्केट स्टेबलाइज करके वापस घूमेगा, और एक अगर वो वापस घूमता है तो 18,500 तक वापस जा सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए, निफ्टी में ज्यादा फोकस मत रहिए, क्योंकि जो निफ्टी के जो टॉप कंपोनेंट्स है वो अभी अच्छे पोजिशन में नहीं है। आईसीआईसीआई प्रो एएमसी के हेड पीएमएस आनंद शाह ने ईटी न्यूज़ स्वदेश से खास बातचीत में कहा है कि 5-6% महंगाई से बाजार को चिंता नहीं है। उनके मुताबिक आईटी, बैंकिंग, एयरलाइंस सेक्टर में तेजी बनी रहेगी।
इक्विटी मार्केट को कब वरी करना चाहिए, जब रेट इतना हो जाए कि आपका ग्रोथ ही डीरेल हो जाए। आई डोंट थिंक वी आर एट दैट स्टेज टूडे। आई थिंक आज की वरी जो मार्केट्स की है वो ज्यादा करके इन्फ्लेशन है। कमिंग टू इन्फ्लेशन, दैट इज अनदर प्रॉब्लम एंड दैट इज अनदर थिंग विच यू नो बोथ आरबीआई एंड यूएस फेड एड्रेस करने की ट्राई करें कि कैसे इन्फ्लेशन को कम किया जाए। वहां पे भी इक्विटी मार्केट इन द फर्स्ट राउंड जब इन्फ्लेशन बेनाइन होता है, इन्फ्लेशन जो 5-6% इंडिया में रहेगा इज नॉट अ बैड थिंग। इक्विटी मार्केट के लिए चिंता का विषय होता है डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन इज अ स्मॉलर प्रॉब्लम। काफी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है वो इक्विटी के लिए नेगेटिव होता है। तो आई थिंक आज अगर मैं इक्विटी मार्केट पे व्यू लेना चाहूँ तो आई थिंक वी स्टिल रिमेन कंस्ट्रक्टिव, बट इट इज सिलेक्टिवली कंस्ट्रक्टिव। ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट इज वेरी कंफर्टेबल ऑन वैल्यूएशंस, नो दैट इज नॉट द ट्रूथ, बट देर आर पॉकेट्स ऑफ द मार्केट विच आर स्टिल लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव फ्रॉम वैल्यूएशंस एंड द ग्रोथ पर्सपेक्टिव। कल्फ ऑयल भारत में स्मार्ट ईवी चार्जर लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी के एमडी और सीईओ रवि चावला का कहना है कि इसके लिए स्मार्ट चार्जर का पायलट टेस्ट कर लिया गया है गल्फ ऑयल की, और क्या क्या योजनाएं हैं आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, लास्ट ईयर हमने हमारे एक ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे इंदिरा रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट किया है, जो एक यूके में वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है जो स्मार्ट चार्जर बनाती है कार सेगमेंट के लिए। तो इस चार्जर को हमने अब इंडिया में हमने पायलट की ओर से टेस्ट किया है, ये अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो हम अभी सोच रहे हैं कि इसको अभी हम इंपोर्ट करके या इंडियनाइज करके कैसे इंडिया में पेश करें। तो ये एक हमारी एक इनिशिएटिव थी ग्लोबल और इंडिया लेवल में, जिसमें हम काफ़ी काम कर चुके हैं अभी पायलट में, और इसकी नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी कि हम इसको इंडिया में लॉन्च करें। माइंडट्री के चौथे तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। नतीजों के बाद हमने कंपनी के सीएफओ विनीत तिरदेसाई से डिमांड आउटलुक और एफआई 23 के आउटलुक पर बात की है। उनका क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, एफआई 22 का एक ग्रोथ अच्छा ही था, मगर उसमें एक ऐसा और एक पैटर्न ये भी है कि वो एक एफआई 21 के एक लो बेस पे भी था, तो उसकी वजह से भी 30%। पर ऐसा नहीं है कि FY23 में वो ग्रोथ एकदम आधी हो जाएगी। हमें अभी भी लगता है कि इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ डिलीवर करने में हमें कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए। जो क्वार्टरली हमारा 5% के करीब जो रन रेट है वो अगर हम मेंटेन कर सके तो वो एक इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ की तरफ ही इशारा करता है। हमारी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, हमारी हायरिंग अच्छी हो रही है। मैंने जैसे कहा कि एट्रिशन एटलीस्ट इनिशियल ट्रेंड्स दिखा रहे कि स्टेबलाइज हो रहा है, और ये सब चीजें अगर राइट टैलेंट हम राइट टाइम और राइट प्लेस पे अगर डिलीवर कर सके तो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों लेवल पे हम FY23 को एक्सपेक्टेशंस को मैच कर सकेंगे। देश में नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के आंकड़े तेज ग्रोथ का संकेत दे रहे हैं। FY22 में नए बिजनेस के रजिस्ट्रेशन कैसे रहे हैं, किस सेक्टर और राज्य में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये सब डिटेल्स हमारे सहयोगी शरद दुबे दे रहे हैं। जी, तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो है, जो MCA की डेटा आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, तो यहाँ पे देखा गया है कि 3 साल के हाई पे जो है आपके आंकड़े आए हैं, और अब याद रखिए 7.5% का ग्रोथ देखने मिला है। अब इसमें दो इम्पैक्ट है कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी में बढ़ोतरी हो रही है और जॉब मार्केट और इकोनॉमी का जो एक अच्छी साइन देखने मिल रही है। अब आंकड़ों की बात करें तो FY20 में लगभग 1,23,000 कंपनीज रजिस्टर हुए थे, वहाँ से बढ़ोतरी होकर FY21 में 1,55,000 हुए, और FY22 में 3-year हाई का 1,67,076 केसेस जो हैं, जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर हुए हैं। और याद रखिए, ये जो है कोविड के समय का भी जो है आंकड़ा का इम्पैक्ट के बाद देख रहे हैं कि अभी भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्ट्रांग है और बिजनेस रजिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। अब सेक्टर्स की बात करें तो सर्विस सेक्टर में सबसे बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन देखने मिला है, लगभग 1,05,000 नए सर्विस बेस्ड रजिस्ट्रेशन कंपनी की हुई हैं, और ये
बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और ये जो है आपके जॉब मार्केट के लिए जो है लीडिंग इंडिकेटर होता है। अब कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो यहाँ पे जो है इस चार अहम स्टेट्स हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के आंकड़े ज़्यादा हुए हैं। सबसे पहले है महाराष्ट्र, उसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में भी एक सरप्राइज एंट्रेंट आया है, दिल्ली आया है और साउथ से कर्नाटक है। तो ये चार स्टेट्स में जो है सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ओवरऑल देखने मिले हैं। बात करते हैं यहाँ पर अब कच्चे तेल की, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज दबाव दिखाई दे रहा है। क्या है क्रूड मार्केट में नए ट्रिगर्स और किस तरह से इसकी चाल अब आगे बदलती हुई हमें दिखाई दे रही है, सहयोगी विश्व मोहन बता रहे हैं। विश्व मोहन, क्रूड के लिए फिलहाल क्या संकेत आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कच्चे तेल के लिए मिले जुले संकेत है। कुछ खबरें ऐसी है जो बाजार में को सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी अब आ रही है जो बाजार पर दबाव बना रही है। जो दबाव बनाने वाले जो बड़े फैक्टर्स है वो है ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है। चीन के जो नए जीडीपी के जो नए अनुमान आ रहे हैं वो काफ़ी नीचे करके दिए जा रहे हैं, एस्टिमेट को डाउनवर्ड रिवाइज किया जा रहा है। तो ये एक चिंता की बात है कि ओवरऑल पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में अगर ग्रोथ की अगर चिंता बढ़ती है तो डिमांड यहाँ पर कम रह सकती है। दूसरी तरफ जो सपोर्टिव फैक्टर ये है कि ओपेक प्लस के जो नए उत्पादन के नंबर आए हैं मार्च महीने के, वो काफी अनुमान से काफी कम है और चीन और रूस का जो उत्पादन है वो लगातार यहां पर कम हो रहा है। अप्रैल के पहले दो हफ्ते में 15 अप्रैल तक करीब करीब 8% उत्पादन पिछले मार्च के 15 दिनों के मुकाबले कम रहा है। तो एक तरफ सप्लाई कम हो रही, दूसरी तरफ डिमांड को लेकर चिंता है। इस वजह से बाजार में कंफ्यूजन सा माहौल है। फिर वापस अगर चीन की अगर बात करें तो शंघाई में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वहां रीओपनिंग की बात हो रही है, तो वहां किस तरह से किस तरह की मांग रहती है इसको लेकर अभी भी दुविधा की स्थिति। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार पर दोनों तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऊपरी स्तरों पर दबाव भी बना रहे हैं। जी शुक्रिया पूरी समझाइश के लिए विश्वमोहन। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगातार आग लगने की घटनाओं ने उन लोगों को दुविधा में डाल दिया है जो या तो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं। सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने इन घटनाओं को काफी गंभीरता से लिया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों से इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेस्टिंग के लिए SOP बनाने के लिए कहा है। पूरी खबर विस्तार से क्या है समझा रहे हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। देखिए, हमारी गवर्नमेंट सूत्रों से बात हुई और सबसे ज़रूरी बात जो वहाँ पे निकल के आई वो ये थी कि सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि ग्रोथ कम हो जाए और ईवी जो आप चाह रहे हैं कि 2025 तक टू व्हीलर केवल ईवी में बने वो रोड मैप ना हटे, लेकिन लोगों की जो जान है, लोगों की सेफ्टी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो यहाँ पर ये बात कही साफ कर दी गई है जो हमारे सूत्र हैं सरकार के, तो उन्होंने क्या कहा, अब हम SOPs लगाएंगे। SOPs क्या हैं? ये SOPs खुद बनानी है मैन्युफैक्चरर्स को और आगे जाके उनको फॉलो करना है और उसमें जो जो दिक्कतें आपको निकल के आ रही हैं, जो टेस्टिंग की दिक्कतें निकल के आ रही हैं, उसमें बदलाव करने हैं। क्या क्या SOPs हैं, क्या क्या टेस्टिंग होगी? सबसे पहली टेस्टिंग है यहाँ पर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स टेस्ट होने हैं। दूसरी चीज़ स्ट्रेस एनालिसिस। देखिए, जगह बहुत कम है एक स्कूटर में या एक कार में भी आज के ज़माने में जिसमें एक ही तरीके की बैटरी लगती है, उससे आप कितनी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, उससे आप कितनी रेंज निकाल सकते हैं, उसके चक्कर में ऐसे तो नहीं कि बैटरी पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसका एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि बैटरीज बन के आ रही है बाहर से, वहाँ उनकी टेस्टिंग होती है, लेकिन वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो हिंदुस्तान जैसा फ्लक्चुएट नहीं करता कि आपको कहीं -2 भी मिल रहा है और कहीं 40 डिग्री सेल्सियस भी मिल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन कंडीशंस में बैटरी की टेस्टिंग होगी, रैंडम टेस्टिंग होगी और ये सारे टेस्टिंग के एनालिसिस रिजल्ट और उनकी वजह से जो चेंजेस आएंगे वो सब के साथ सरकार को देने पड़ेंगे, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को और ईवी मेकर्स को। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे यही है कि इन्वेस्टिगेशन चालू, इन्वेस्टिगेशन में जो निकल के आएगा उसके बाद शायद और बदलाव देखने को मिले, लेकिन अभी और ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार हरकत में आई है और उन्होंने सारे ईवी मेकर्स को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने के लिए और सरकार को देने के लिए कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टावर इंडिया अपने बेड़े में 100 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल करने जा रही है। कंपनी अपनी सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के मकसद से अगले एक साल में 100 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल करेगी। शुरुआत कंपनी ने उत्तर भारत से की है और हरियाणा के सोनीपत में इन गाड़ियों को शामिल करना शुरू कर दिया है। टावर इंडिया का कहना है कि अगले 12 महीनों में पूरे देश में 100 इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर लिया जाएगा, इससे सालाना कार्बन एमिशन में काफ़ी कमी आएगी।
चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं टिकट के समर सेल ऑफर्स की। अपने कस्टमर्स के लिए विस्तारा एयरलाइन समर टाइम सेल लेकर आया है। विस्तारा की ये सेल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नेटवर्क दोनों के लिए है, इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस। साथ ही आपको बताएं कि ट्रैवल की तीनों क्लासेस के लिए एयरलाइन ने सेल की पेशकश की है। विस्तारा ने इकोनॉमी क्लास के लिए सभी टैक्स समेत महज 2499 रुपये में टिकट ऑफर किया है। सेल के तहत डोमेस्टिक बुकिंग 19 अप्रैल से 22 अप्रैल तक की जा सकेंगी। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए बुकिंग पीरियड 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगी। इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए विस्तारा 12,999 से लेकर 35,500 की रेंज में टिकट का ऑफर दे रहा है। गैस पाइपलाइन के कॉमन ऑपरेटर के लिए सरकारी कंपनी नहीं बनाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर के लिए पीएसयू के पक्ष में नहीं है। इस एक्सक्लूसिव खबर की तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, सरकार नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए देश भर में एक इंडिपेंडेंट कॉमन ऑपरेटर बनाना चाहती है, जिसका काम ये होगा कि जितने भी पाइपलाइन है उसको एक ही एंटिटी जो है ऑपरेट करे और सभी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ये सरकार की योजना है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने बजट 2022 में की थी। उसको लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव भेजा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, जिसमें ये कहा गया था कि जो टीएसओ जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर होगा वो एक पीएसयू होगा, उसका स्ट्रक्चर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के तौर पर होगा। लेकिन अब हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस स्ट्रक्चर को, इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है और ऑयल मिनिस्ट्री से ये कहा है कि एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिसमें निजी कंपनियों की भी भागीदारी हो, क्योंकि जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें ऑयल मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि 51% हिस्सेदारी जो होगी टीएसओ में वो सरकार की होगी और बाकी की जो हिस्सेदारी होगी वो पीएसयू में ही, चाहे वो ओएनजीसी हो, आईओसी हो, एचपीसीएल हो, ईआईएल हो, उसके बीच में बाकी हिस्सेदारी बटेगी। लेकिन इस प्रस्ताव से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सहमत नहीं है और ये कहा है कि जो न्यू पीएसयू पॉलिसी आई है जिसमें ये कहा गया है कि काफ़ी कम कंपनियां ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहेंगी और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की ज़्यादातर कंपनियों का विनिवेश कर दिया जाएगा या उसका निजीकरण होगा, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को वापस कर दिया गया है और नए स्ट्रक्चर की मांग की गई है जिसमें निजी कंपनियों की भी हिस्सेदारी हो सकती है। आपको जैसा कि पता है कि सरकार पाइपलाइन बिजनेस में गेल की मोनोपोली खत्म करने के लिए और सभी कंपनियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले उसके लिए टीएसओ का प्रस्ताव दिया है और उस पर काम चल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि नया स्ट्रक्चर कैसा होता है और फिर से नया कैबिनेट नोट जो है पेट्रोलियम मंत्रालय कब भेजता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच से 11 करोड़ रुपए के सिक्के गायब होने की जांच सीबीआई करेगी। मामला राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी एसबीआई ब्रांच का है। ये मामला पिछले साल अगस्त में तब सामने आया जब बैंक ने 13 करोड़ रुपए से अधिक के सिक्कों की निगरानी, यहां पर गिनती का जो काम है, एक प्राइवेट वेंडर को सौंपा था। काउंटिंग से यहां पर पता चला कि 11 करोड़ रुपए से अधिक के सिक्के गायब हैं और सिक्कों के मिसिंग होने को लेकर राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी यहां पर कराई थी। लेकिन एसबीआई ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब मामला सीबीआई को सौंपा गया है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को देखकर एक बार सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसकी ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर केस ज़्यादा बढ़ते हैं तो सख्त कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना को 2 साल हो गए और तैयारियों से लेके कोरोना की पूरी स्थिति, फिर लोगों की इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन की स्थिति, इन सब को देखते हुए हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है। कोरोना कुछ ना कुछ सीमा में रहेगा, कभी थोड़ा सा आगे रहेगा, कभी नीचे रहेगा। अगर कुछ ज़्यादा बढ़ता है तो निश्चित रूप से कुछ अगर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उठाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि कोई हॉस्पिटल में केस नहीं है, उस तरह के चिंता की स्थिति नहीं है, कहीं कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कोरोना के काउंट्स आ रहे हैं लेकिन अभी हम एक्सपर्ट्स से बात करेंगे, 20 तारीख को एक्सपर्ट्स की मीटिंग है डीडीएमए के साथ में, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस रूप में देख रहे हैं।